तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा रेजिग्नेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप जिस किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड। तो दोस्तों, मैं बता दूं, रेजिग्नेशन विद इमीडिएट इफेक्ट आपका बेसिकली तब अप्लाई होता है जब कोई कंपनी शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रही हो, या हो सकता है वो कंपनी डूब रही हो, या हो सकता है आपका टर्मिनेशन हुआ, या हो सकता है आपका अब्सकॉन्डिंग हुआ है। उस केस में मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा रेजिग्नेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट का यहाँ पे मतलब है कि आपने आज रिजाइन डाला, आप कल से कंपनी को छोड़ सकते हो, या आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे आपने 10 तारीख को किसी कंपनी में रिजाइन डाला, तो आपको अगर 20 को छोड़ना तो 20 को छोड़ दो, 25 को छोड़ना है तो 25 को छोड़ दो। उसको हम बेसिकली बोलते हैं रेजिग्नेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। एंड इसके बाद होता है क्या दोस्तों, कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो वो ज्वाइन करने के 6 मंथ के पहले, 6 मंथ एक मिनिमम पीरियड होता है किसी भी कंपनी का प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, 6 मंथ के पहले आप कंपनी को छोड़ना चाहते हो, तो आप इमीडिएट इफेक्ट के साथ छोड़ सकते हो। बट आप अपने ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर में एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि आपने कंपनी के साथ किसी भी तरीके का बॉन्ड एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा मनी एग्रीमेंट साइन तो नहीं किया जिससे कि जाने के बाद या इमीडिएट इफेक्ट छोड़ने के बाद आपको पैसे देने पड़े कंपनी को। ओके, तो आप प्रोबेशन पीरियड के टाइम आप छोड़ सकते हो। मिनिमम 6 मंथ का आपको प्रोबेशन पीरियड मिलने वाला है, और बहुत सारी कंपनीज में प्रोबेशन पीरियड अराउंड 1 ईयर का कर दिया है। तो अब होता क्या दोस्तों, मैं आपको 6 मंथ के लिए क्यों बोल रहा हूँ, या मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि 2 साल बाद 4 साल बाद आप इमीडिएट इफेक्ट के साथ ना छोड़ें, तो उन्हीं दोनों पॉइंट पर बात करेंगे। तो बेसिकली देखो दोस्तों, होता क्या, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो 6 मंथ के पहले आप किसी भी कंपनी को छोड़ते हो, तो आपका 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 25 दिन आपका इस तरीके से वहाँ पे वर्किंग डेज हो पाते हैं टोटल। तो वर्किंग डेज में वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। मिनिमम मतलब आपके पास अगर 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ से बिलो डेज का, तो वो जल्दी से काउंट नहीं होता, और कंपनी उसको काउंट करती भी नहीं है। आपको 2 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो काउंटेबल नहीं होता है। 6 मंथ के ऊपर आपका एक्सपीरियंस लेटर काउंट होने लगता है। अब मैं यहीं पे बात करूं कि जब आपको 2 साल 3 साल 5 साल हो जाते हैं, तो आपको क्यों नहीं छोड़ना इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो देखो दोस्तों, जो एक एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉय नोटिस पीरियड इसलिए सर्व करता है, 90% केस में वही एक रीजन होता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर लेना है। आपने 2 साल काम किया है, 5 साल 10 साल काम किया है, और आप किसी कंपनी को छोड़ रहे हो इमीडिएट इफेक्ट के साथ में, तो क्या करेगा वो कंपनी, क्या करेगी, आपका एक्सपीरियंस लेटर रुकवा देगी, आपका रिलीविंग लेटर रुकवा देगी। तो अगर आपको 6 मंथ के ऊपर हो गया है, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, वट एवर टाइम यू हैव स्पेंड ऑन दैट कंपनी, तो आप वो उतना अराउंड वेट करो। आपका नोटिस पीरियड 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, आप टोटल वेट करो, आप वहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर लेके निकलो, एंड आप उसमें निगोशिएट करा सकते हो। यस, आप अपने मैनेजर से बात करो, एचआर टीम से बात करो। आप अगर 3 मंथ्स का तो 2 मंथ्स करा सकते हो, 1 मंथ का भी करा सकते हो। अगर आपके मैनेजर और एचआर टीम एग्री हो रही तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ भी छोड़ सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होने वाली है। और हाँ दोस्त, उसमें एक ऑप्शन और होता है जो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कंपनीज ने 3 मंथ का नोटिस पीरियड करा जरूर है, लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट एम्प्लॉय को दिया हुआ है कि आप नोटिस पीरियड को बाय आउट कर सकते हो, मतलब नोटिस पीरियड को आप खरीद सकते हो। अगर 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है तो आपको 1 महीने सर्व करना होगा, 2 महीने का आप नोटिस पीरियड खरीद सकते हो। 2 महीने का जो नोटिस पीरियड है, आपकी बेसिक सैलरी का 2 महीने का देना होगा। सपोज अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो आपको 40,000 रुपये वहाँ कंपनी को देने होंगे, और आप 1 महीने में उस कंपनी को छोड़ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग पे जॉब सर्च कर रहे हो, तो नीचे मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जो आपको 100% प्लेसमेंट दिलाएंगे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। बाकी मेरा बेस्ट रिज्यूमे पड़ा हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।